आर्थिक अनियमितता के मामले में पाठ्यपुस्तक निगम के महाप्रबंधक ने ईओडब्ल्यू और शिक्षा विभाग में शिकायत कर जांच की मांग की, जिससे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। जांच में सफेद पोशाक सहित कई बड़े अधिकारी बेनकाब होने का दावा किया है। सन 2005 से 2019 तक के पेपर क्रय की निविदा और मुद्रण निविदा, विविध मुद्रण, साथ ही पॉजिटिव निर्माण और परिवहन निविदा, वित्तीय अनियमितता की जांच की मांग की गई। इस मामले में पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक एवं शिकायतकर्ता अशोक चतुर्वेदी ने दस्तावेज की पुष्टि करते हुए कहा कि है मेरे द्वारा शिकायत उपयुक्त फोरम में की गई है। साल भर से मेरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार में मैं लिप्त होता तो मैं जांच की मांग नहीं करता। मैंने शुरू से लेकर अब तक सभी कार्यकाल की जांच की मांग की है। प्रजातंत्र के चौथे आधार स्तंभ को जो भी जानकारी मिली होगी उसकी मैं पुष्टि करता हूं और सारी जो चीजें हैं सही फोरम पे सही जगह मेरे द्वारा करी जा रही हैं। मैं उपयुक्त जो भी फोरम है, जो भी हमारी प्रक्रिया है, उसके तहत मैंने की हुई है और उसके बारे में और आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। कांकेर जिले में धान